ताकत ही हमारे आत्मविश्वास की बदौलत है। उसको लेकर के हम भविष्य के और आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम सिर्फ भविष्य देखने वाला अटकना नहीं चाहते हैं, हम भविष्य भी देखना चाहते हैं, लेकिन भविष्य के उस शिखर को भी पहुंचना चाहते हैं। भविष्य के शिखर को सपना लेकर के हम चलना चाहते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक नई आशा, नया उमंग, नया विश्वास, देश उसी से चलता है, देश उसी से बदलता है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नव युग है, ये नव युग है, ये नव भारत है, ये नव युग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। ये नव युग है, नव भारत है, हम निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जीत है, जीत है, जीत है, एक सूर्य उगाना है, जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार आजादी के पावन पर्व पर आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए, आइए जय हिंद के मंत्र के साथ उच्च स्वर से मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, 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 वंदे मातरम। गुब्बारे हवा में छोड़े गए, तिरंगे के तीनों रंगों के गुब्बारे धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ते हुए, इसमें कई गुब्बारों की लड़ियां भी हैं और कई गुब्बारों की डोर से बंधे हैं छोटे छोटे तिरंगे, कहीं एक, कहीं दो, तो कहीं दस भी। विहंगम दृश्य, आह्लादित कर देने वाला नजारा। इस वक्त यहाँ उपस्थित सभी देशवासियों की आंखें आसमान की ओर लगी हुई है, हर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और दिलों में यही प्रार्थना कि हमारे तिरंगे की शान ऐसे ही आकाश की बुलंदियां छूती रहे। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री हर तरफ हर दिशा में घूमकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर, और अभी वो
अति विशिष्ट अतिथियों की दीर्घा की तरफ आगे बढ़े हैं, अति विशिष्ट अतिथियों से मिल रहे हैं और यहाँ बच्चों का जोश देखते ही बन रहा है, उनका उल्लास, इतने पुलकित हैं बच्चे और उनकी ये जो कलरव है उनका वो यहाँ तक सुनाई दे रहा है और वो लगता है जैसे प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ से एक तल नीचे माननीय प्रधानमंत्री को विदा देने के लिए प्रतीक्षारत हैं रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन, रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे, सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ। और अब माननीय प्रधानमंत्री जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री के साथ यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री यहाँ से लाल किले की प्राचीर से प्रस्थान कर रहे हैं और वहाँ नीचे प्राचीर के ठीक सामने बच्चे प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि तंत्र से लोक नहीं, लोक से तंत्र, ऐसा लोकतंत्र, ऐसा नवभारत बनाना है और वही आह्वान आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया है। 2017 का स्वतंत्रता दिवस जो कि संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया और अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते कदम, स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए मुख्य अभियानों में से एक है। इसकी एक झलक लाल किले की इस प्राचीर पर भी दिखाई देती है। पिछले 100 वर्षों से धीरे धीरे इस प्राचीर पर मिट्टी की लगभग 2 मीटर मोटी परत जम गई थी जिसके बोझ से ये ऐतिहासिक प्राचीर ध्वस्त होने के कगार पर थी। इसी वर्ष के आरंभ में इसकी सफाई का काम शुरू हो गया और यहाँ से लगभग 22 किलो मिट्टी हटाई गई और इस प्राचीर का जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ इस दीर्घा से अति विशिष्ट अतिथि धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए, आज का दिन है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन, उन्हें नमन करने का दिन। और अगर हम कुछ नामों को याद करना चाहें तो बहुत मुश्किल है क्योंकि देशभक्तों की, शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सभी नामों को ले पाना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आज के दिन हम जरूर नमन करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने विदेशों से मदद जुड़ाकर बाहर से सैन्य हमले की तैयारी की। बापू के साथ स्वराज्य प्राप्ति के लिए जुटे थे लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कितने नाम लेते जाएं फहरिस्त खत्म नहीं होगी। इन सब के साथ हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं महर्षि अरविंद को जिनकी आज जयंती है। उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुमन, मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला अब प्राचीर के ठीक सामने इस चौड़ी सड़क पर जहाँ पर बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, 3 गाड़ियाँ ठीक हमारे सामने से गुजरती हुई और इधर प्राचीर पर मैं देख रहा हूँ अति विशिष्ट व्यक्ति प्रस्थान कर रहे हैं। चौथी गाड़ी जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चमक रहा है पहुंच रही है ठीक प्राचीर के सामने। प्रधानमंत्री आह्वान के साथ विदा ले रहे हैं, बच्चों ने हाथ उठाकर माननीय प्रधानमंत्री का अभिवादन किया है। उनको प्रतीक्षा है कि वो उनके बीच आएंगे, उन्हें आशीष देंगे क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है नए भारत के निर्माण के लिए। और इस तरह 3 गाड़ियां थी हमारे बूथ के सामने और 4 से लेकर 8 गाड़ियां इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों में खासा उत्साह है। सामने जो दर्शक दीर्घा है वहां पर भी लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे बिल्कुल समीप आना चाहता है लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मी ही उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। और सभी बच्चे, हाँ, यहाँ विनय देखें तो बच्चों का उत्साह देखते बन रहा है और उनका कलरव मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों तक जरूर पहुंच रहा होगा। प्रधानमंत्री महोदय की गाड़ी
बच्चों के आगे रुकी और बच्चों के जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गाड़ी से उतर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं बच्चों की तरफ और बच्चे हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। इतने अनुशासित बच्चे, इतने अनुशासित, लेकिन प्रधानमंत्री को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और बच्चे अब दौड़ पड़े हैं। प्रधानमंत्री धीरे धीरे बच्चों के बीच पहुंच चुके हैं। सुमन देखिए, प्रधानमंत्री बच्चों के बिल्कुल बीचों बीच जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं और हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें छूना चाहता है और ये बच्चे बिल्कुल दौड़ लगाने पर सीधे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री सबको आशीष और स्नेह दे रहे हैं और धीरे धीरे सुरक्षा कर्मी भी उनको थोड़े व्यवस्थित ढंग से रख रहे हैं क्योंकि बच्चे उमड़ कर सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहते हैं। हर बच्चा जो कि अब तक बिल्कुल अपनी पंक्ति में था, वो पंक्ति से बाहर हो गया है और शालीन सौम्य भाव से प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही आकर्षक वेशभूषा में इस समय बच्चों के साथ हैं। साथ में शिक्षिकाएं भी व्यवस्थित को देख रही हैं और सुरक्षा गार्ड भी। सुमन, बहुत अच्छा नजारा। बिल्कुल विनय, और यहाँ प्राचीर से ये इतना खूबसूरत दृश्य, मनोरम दृश्य दिख रहा है क्योंकि ये जो मानव संरचना तिरंगे की बनी थी, अब वो तिरंगे के रंग बिल्कुल घुल मिल गए हैं और बच्चे उछल उछल कर दौड़ दौड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को सभी छू लेना चाहते हैं, पास से देख लेना चाहते हैं और सुरक्षा कर्मी हालांकि व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब बच्चों के उत्साह के आगे जैसे लगता है असफल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री भी ऐसा लगता है कि अपने आप को बच्चों को देख के रोक नहीं पाते और सुरक्षा कर्मियों ने एक सुरक्षा का दायरा उनके आसपास बनाया है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और जितनी सहज सौम्य मुस्कुराहट, निश्चल मुस्कुराहट बच्चों के चेहरे पे है वैसे ही आनंद मुस्कुराहट, सौम्य मुस्कुराहट माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये पल अविस्मरणीय पल हैं जो इन बच्चों की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। जब भी ये बच्चे अपनी स्मृतियों के पन्नों को पलटेंगे तो ये क्षण छपे हुए चित्र की तरह उनके मानस पर जरूर उभरेंगे। हर बच्चा मिलना चाहता है और कुछ बच्चे तो चरण स्पर्श कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री का। ये वो बालिकाएं हैं जिनके लिए एक ये कहें कि आशीर्वाद दिया है आज इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री ने। और अब हम देख रहे हैं कि सारे बच्चे एक साथ मिलकर, क्योंकि प्रधानमंत्री बच्चों के बीच से बाहर आ चुके हैं और इस समय बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर, बल्कि ये कहें कि एक उत्साह ऐसा दिख रहा है कि हर बच्चा चाहता है कि वो प्रधानमंत्री से मिले। और इस वक्त प्रधानमंत्री इन बच्चों को न सिर्फ यादगार पल दे रहे हैं बल्कि उनको एक विश्वास दे रहे हैं